इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2018 की नीलामी शनिवार को बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO राहुल जौहरी ने IPL नीलामी के संचालन की शुरुआत की। जौहरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित COA से लेकर नीलामी हॉल में मौजूद सभी मान्यगणों का शुक्रिया अदा किया। शिखर धवन के बाद रविचंद्रन अश्विन की बोली लगी। अश्विन का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपए है। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच अश्विन को हासिल करने में जमकर घमासान हुआ। किंग्स 11 पंजाब ने अश्विन को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा।